रहमान रहीम, मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा तारिस्वी और आप देख रहे हैं डेजर्ट रोज साइकिल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक को हम लेके चल रहे थे, आज उसका हमारा टॉपिक थर्ड पार्ट है, मीनिंग ऑफ कंसप्शन। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कंसप्शन क्या होती है। कंसप्शन द एक्शन ऑफ यूजिंग अप रिसोर्सेज, आपके अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना क्या कहलाता है कंसप्शन। मतलब आपने जो रिसोर्सेज लिए हैं, बाय किए हैं एज अ कंज्यूमर, वो आपने जब यूज़ किए हैं, कंज्यूम कर लिए हैं, तो वो क्या है कंज्यूमर रिसोर्सेज, आपकी कंजप्शन। जैसा कि फर्ज करें, अगर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कलर्स, एक लड़की है जिसने कलर्स पकड़े हुए हैं, तो अगर वो लड़की उस कलर से ड्राइंग बनाएगी, मतलब उसने जो कलर बाय किए हैं उसे वो ड्राइंग कर बना के उस कलर को कंज्यूम कर रही है, उस कलर का यूज़ कर रही है। तो द नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक में हम देखते हैं अब कंजप्शन ज़रूरी क्यों है। हमने ये तो देख लिया कंजप्शन होती क्या है, तो हम कंजप्शन हो ज़रूरी क्यों है। तो मीनिंग ऑफ कंजप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि कंजप्शन स्टैंड फॉर एक्सपेंडिंग ऑफ वेल्थ फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन, यानी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो अपनी मनी का एक्सपेंड करते हैं, चीज़ें लेते हैं और रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी कंजप्शन होती है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी डेट वन शुड बी केयरफुल इन द कंजप्शन ऑफ वेल्थ एज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, यानी हर शख्स की ये एब्सोल्युटली नेसेसरी जरूर, हमारी नेसेसरी नेसेसिटीज में ही आ जाता है कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है हमें उसके लिए मनी खर्च करनी पड़ेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतों के लिए मनी भी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो कंजप्शन का एज एक्चुअल में कंजप्शन ये है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कंज्यूमर चीज़ें बाय करता है उसको वो जब कंज्यूम करता है तो उस चीज़ की कंजप्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द एक्शन एंड डिसीजंस, यानी हमारे वो काम और हमारे वो फैसले डेट पीपल आर हाउस होल्ड मेक व्हेन दे चूज़ बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी हमारे वो काम और हमारे वो फैसले जो कि हम चूज़ करते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। एक्चुअल में अगर हम इन शॉर्ट में इसको समराइज़ कर दूँ तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या, कंज्यूमर डिसीजन टू बाय समथिंग, टू यूज़ समथिंग, टू डिस्पोज समथिंग, टू प्रिजर्व समथिंग। तो कंज्यूमर बिहेवियर है कंज्यूमर डिसीजंस। अब बहुत सी साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स में भी ये बहुत रोल प्ले करता है, जैसा कि हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हमारे डिसीजंस पर वैरी करते हैं, तो इस तरह हमारी ये सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पे अफेक्ट करता है, तो इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अचीविंग कंपनी को, एक कंपनी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है। जैसे कि आपको पिक्चर्स में जाहिर देखा जा रहा है कि उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और उसके लिंक्ड किए हैं कि हमें सर्विसेज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, यहाँ पे कस्टमर लीड करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से प्राइसिंग आएंगी, इस तरह ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, इस तरह प्रिंट निकालेंगे, इस तरह ब्रांडिंग होगी। तो ये जो पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान हम अपनी कंपनी को अचीवमेंट देने के लिए करते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए करते हैं, उसे प्रमोट करने के लिए बनाते हैं, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब बात ये है, आप कंज्यूमर हमने पढ़ लिया, कंजप्शन पढ़ ली, मार्केटिंग पढ़ ली, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ ली, अब हमने देखना है रिलेशनशिप क्या है बिटवीन कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब हमारे कंज्यूमर के डिसीजन का और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या रिलेशन है। सो कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी यूज बाय मार्केटर्स, मार्केटर यूज़ करते हैं टू क्रिएट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल होता है मार्केटर, मार्केटर्स ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या, वो किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो किस चीज़ को ज़्यादा बाय करता है, तो वो अपनी मार्केटिंग डिवेलपमेंट उससे स्टार्ट करते हैं, अपने अचीविंग गोल्स वो रखते हैं जो कंज्यूमर डिसीजन लेता है। मतलब कंज्यूमर की बिहेवियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यू टू द मार्केट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो टारगेटिंग ईच कंज्यूमर अफेक्टिवली वंस दे अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वांट्स, जब वो समझ जाते हैं अपने नीड्स और वांट्स को, तो रिसर्च ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, तो वहाँ पे ये चीज़ें वो रिसर्च करते हैं कि कंज्यूमर की वांट्स क्या हैं, कंज्यूमर की नीड्स क्या, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए जो वो अचीवमेंट गोल बनाते हैं उसके लिए उनका मेन चीज़ जो होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर होता है, कि कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स क्या है,
वो इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप था बिटवीन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, कि हमारे लिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या लिंक रखता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। सो इट्स डन, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। स्टिल अगर कोई भी मसला है या कोई भी इशू इस लेसन से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद डाइजेक्ट साइकिस। थैंक यू।